हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ये रेजिन फोटो फ्रेम। सो सबसे पहले मैंने रेजिन और हार्डनर का प्रोपोर्शन लिया, 3:1 में मेजर किया और अब इसे प्रॉपरली 3 to 5 मिनट्स तक मिक्स किया। मुझे दो अलग अलग कलर्स चाहिए रेजिन के, सो मैं दो अलग अलग कप्स में इसे लूँगी और इसमें ओपेक पिगमेंट ऐड करके इसको कलर दूँगी। और अब मैं ये दोनों अलग अलग कलर ये सिलिकॉन मोल्ड के अंदर पोर करूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा शिमर मेटालिक पाउडर भी ऐड किया है ताकि फ़ोटो फ्रेम थोड़ा चमके, अच्छा बने। और अब मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड में पोर किया रेजिन। अब मैं इसे आइसक्रीम स्टिक से थोड़ा डिज़ाइनिंग करूँगी, थोड़ा सा मर्ज करूँगी, शेड दूँगी। अब मैंने इसमें गोल्डन फॉइल ऐड किया और वो जहाँ पे मुझे चाहिए था हाइलाइट्स गोल्डन, वहाँ पे मैंने इसको डाला और थोड़ा सा वाइट शिमर भी डाला। अब मैंने इसको ब्लो टॉर्च से पूरा घुमाया ताकि उसके एयर बबल्स रिमूव हो जाए। 24 आवर्स के बाद मैंने इसके ऊपर डिजिटल फोटोग्राफ्स स्टिक किए ग्लू से, और एक्रेलिक कटिंग्स, गोल्डन एक्रेलिक कटिंग्स भी थी, वो भी मैंने इसके ऊपर स्टिक की। और उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन का मिक्सचर, रेजिन एंड हार्डनर का मिक्सचर इसके ऊपर पोर किया। एंड अगेन मैंने इसको स्टिक से घुमाया ताकि ये हर जगह प्रॉपरली रेजिन पहुंच जाए। और उसके बाद मैंने ब्लो टॉर्च घुमाई ताकि इसके एयर बबल्स पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। और इसे मैंने 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और अब ये 24 आवर्स के बाद इसको मैंने सिलिकॉन मोल्ड से रिमूव किया और ये रिमूव होके ऐसा दिख रहा है। आप ऐसे भी डायरेक्टली दे सकते हो या फिर इसको इसके जो एजेस है वो भी आप ड्रिल या प्रॉपर शार्प कर सकते हो। ये जो मेरे पास छोटा सा टूल है उससे मैं इसको शार्प करूँगी और इसके बाद मैं ये बॉर्डर को गोल्डन पेंट करूँगी। मैंने इसके एजेस और पूरी बॉर्डर इसको गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है और ये इस तरह मेरी रेजिन फोटो फ्रेम रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ टू लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।